हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लेके आया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारी हर एक केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स जब भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनका यूज होता है। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हम बात करेंगे ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट। अब क्योंकि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा ड्राई, ड्राई मीन्स किसी चीज से वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना, किसी से वाटर को खींच लेना, ठीक है, यानी सुखा देना, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, वाटर को एलिमिनेट करा देना, यानी किसी सब्सटेंस में अगर वाटर होगा तो उसको वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं, अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब और रिमूव वॉटर वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम गिवेन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस, ओके, यानी ड्राइंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से क्या करेंगे, वाटर अगर उसके अंदर है, वाटर कंटेंट है या हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, उससे वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रो, इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है। यानी जब भी आप कहीं पे केमिकल इक्वेशन रखते हो, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में जहां पे वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट करता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करके उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास सब्सटेंस है, इसका मैं वन बाय वन एग्जाम्पल दूंगा, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद हमारे पास आता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, डिफरेंस समझिएगा ड्राइंग एजेंट में और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। ड्राइंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को रिमूव करेगा, ठीक है। ठीक, वाटर मैंने लिखा है, इस वाटर को मैं, ठीक है, की जगह स्पेसिफिक एक वर्ड टर्म लिख देता हूं, उसका नाम है क्या, मॉइस्चर। जाहिर सी बात, अगर मॉइस्चर है तो वाटर होगा, ठीक है। ठीक है, अ केमिकल सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस, अ केमिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट दैट हेल्प टू रिमूव वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस, फ्रॉम द गिवन 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 सब्सटेंस, ओके। सो आई होप दैट ये दोनों काम आपको क्लियर होंगे, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब और रिमूव मॉइस्चर, ठीक, मॉइस्चर फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस, दैट इज एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। इट मींस डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकली कंबाइन द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। इट मींस लुक हियर, मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो मेरे पास एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल, तो लुक हियर, देखो ये हमारा हो गया
एथेनॉल। अब मैं यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली हियर यू कैन सी दैट ये क्या होगा, H2O यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड देन वी हैव C2H4, ठीक है। आप ध्यान दे सकते हो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो केमिकल सब्सटेंस है दैट हेल्प टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। इट मींस दीज आर केमिकली कंबाइंड द वाटर फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। ये डिफरेंस है ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। अभी मेरी छोटी छोटी और भी वीडियोस होगी जिनमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट ये आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया हो। फर्दर मैं आगे की वीडियोस में इन और भी कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे हमारे पास ड्राइंग एजेंट है, फिर हमारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यानी केमिकल रिएक्शन करते वक्त हमारे पास ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एज वेल एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं इस चीज को इस पूरे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ओके okay?